नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का ये वीडियो है नक्षत्र सीरीज में कैरेक्टरिस्टिक्स मघा नक्षत्र की, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। मघा नक्षत्र की क्या लाक्षणिकता है, मघा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है, क्या दान करना है, क्या मंत्र करना है, क्या रत्न धारण करना है, मघा नक्षत्र की ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो आपको बता दें कि 27 नक्षत्र जो है इसमें ये 10वें क्रम पे आने वाला नक्षत्र सिंह राशि का प्रथम नक्षत्र मघा नक्षत्र है। तो मघा नक्षत्र के जो मालिक हैं ये केतु हैं। तो जिसकी कारण क्या होता है कि हर कार्य विलंब से होता है, डीले होकर होता है, कार्य रुक रुक के कार्य होते हैं, जिसका रीज़न ये है कि इसके जो नक्षत्र मालिक हैं ये केतु हैं। इसकी जो योनि है ये मूषक योनि है, मूषक माने चूहा। तो जिसकी कारण क्या होगा कि थोड़ा सा इंटरनल डर फियर जैसा रहेगा, और गण इसका जो है वो राक्षस है। तो जिसके कारण क्या होगा कि टेम्परनेस इनका थोड़ा हाई रहेगा, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाएगा। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है राक्षस गण की कि ये जो आपके मित्र हो जाते हैं तो आपके लिए जान दे भी सकते हैं, और यदि आपकी ये शत्रु हो जाए तो आपकी जान ले सकते हैं, या आपकी जान ले सकते हैं, इतनी हद तक ये शत्रुता भी कर सकते हैं। तो इसकी जो नाड़ी है ये अंत्य नाड़ी है। अंत्य नाड़ी जिसके कारण क्या होता है, पित्त प्रकृति एसिडिक रिएक्शन पेट के अंदर ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो जातक हैं इनको खान पान में विशेष केयर करना चाहिए कि ज़्यादा एसिडिटी ना हो जाए। इसके जो नक्षत्र मालिक केतु हैं तो केतु की शांति के लिए गणेश जी की उपासना मैक्सिमम लाभदायी रहती है। और केतु के मंत्र जो है वो वेदोक्त मंत्र इस प्रकार रहेगा केतु ग्रह की शांति के लिए। ओम पलाश पुष्प सकाशम ताड़का ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मक घोरम तम केतवे प्रणम्यम। ओ यदि ये मंत्र आपसे करना पॉसिबल ना हो तो आप मंत्र कर सकते हैं ओम रीम क्लीम केतवाय नमः। ये केतु का मंत्र है, और केतु का स्टोन जो है वो लसनिया, वो भी आप एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से लेकर आप धारण कर सकते हो। इसका जो केतु सबसे ज़्यादा विलंब से देने वाला ग्रह है, क्योंकि केतु के अंदर एक तड़प है। तो केतु ग्रह की जो अवधि है वो 48 साल की उम्र के बाद केतु अपनी अवधि छोड़ देता है। जैसे कि शनि 36 तक डिस्टर्बेंस ज़्यादा करते हैं, मंगल 28 तक करते हैं, तो केतु 48 तक थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा करते हैं, उसके बाद उनकी अवधि वो छोड़ देते हैं। तो गणेश जी की मैक्सिमम उपासना मघा नक्षत्र की शांति के लिए करें। और यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो आप नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन का लाभ मिल सकें।